नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपके सितारे और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सास बहू के रिश्ते में सौहार्द बढ़ाने के वास्तु अनुसार उपाय आज हम जानेंगे, जान चुके हैं, लेकिन आज हम आचार्य जी से जानेंगे सास बहू के बीच कलेश दूर करने के ज्योतिषीय उपाय। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर करें सास बहू के बीच क्लेश? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सास बहू में सौहार्द बढ़ाने के ज्योतिषीय उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले हम आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है शुभ और करण है कौलम। और अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। आज धन को बचा करके रखना चाहिए, अधिक से अधिक सेविंग की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, वरना आगे जब आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप किसी गंभीर आर्थिक समस्या में खुद को घिरे महसूस कर सकते हैं। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। अपने स्वास्थ्य व अपने फिटनेस का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके कुछ मुश्किल सवालों का हल, मुश्किल सवालों का उत्तर आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति आपके सवालों का जवाब आज आपको दे सकता है। ओम ब्रह्म विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, व्यर्थ के दिखावे से बचना चाहिए। और अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या के लिए सुझाव यह है कि आज आपको वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसी के लिए आपको हामी भरनी चाहिए जिस जिम्मेदारी को आप भली भांति निर्वहन कर सकें, अर्थात निभा सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा ना सकें, जो आपके लिए कोई बहुत कठिन कार्य हो जाए। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है आपके लिए। यदि आप प्रयास कर रहे थे तो आज आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातक आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपना दिमाग ठंडा रखें और अपने मन को जितना ज्यादा से ज्यादा शांत रखेंगे, शांत चित्त से काम करेंगे, उतना आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी वाद विवाद से आज आपको बचने की आवश्यकता है। अपनी जिंदगी की समस्त समस्याओं परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। तो आपके जीवन में, चाहे वो व्यापारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, किसी भी तरीके की कोई बाधा है, कोई समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए प्रयास आज आपको आरंभ कर देने चाहिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको धीरज की प्राप्ति होगी, सहनशीलता की प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ आज आपके लिए सुझाव ये है, संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं अगर धन के निवेश की कोई योजना है तो आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ये समय आपके लिए भी बहुत शुभ नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि धन को बहुत ध्यान से खर्च करें, जहां आवश्यक हो वहीं व्यय करना चाहिए। पैसा व्यय करने से पहले
हजार बार आपको सोचना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी करीबी के पास किसी काम के उस व्यक्ति के काम से आप कुछ आज परेशान हो जाएं, उस व्यक्ति की जो कार्य करने की शैली है वो शायद आपको बहुत अच्छी ना लगे, तो आपको बहुत सौम्यता से उसको समझाना चाहिए और उसको ये समझाना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने काम को और अच्छा बना सकता है और अच्छे तरीके से अपने कार्य को पूरा कर सकता है। ओम द्वयमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कन्या राशि वाले जातक लोग, लगातार बहुत दिनों से काम करके आप थक गए हैं, आज आपको कुछ स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता पड़ सकती है, स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, तो थोड़ा सा आराम भी करते रहना चाहिए, काम के साथ साथ कुछ समय निकालिए। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर घूमने फिरने का कार्यक्रम आप बना सकते हैं, पूजा पाठ धर्म कर्म में भी आज आपको बहुत अच्छा मन लगेगा, उससे आपको फायदा भी होगा। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो आज करने से बचना चाहिए, परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। कुछ दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निर्मला जी हमारे साथ हरिद्वार से हैं। निर्मला जी आप अपना प्रश्न करें, साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो जी, बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहती हूँ। मेरी बेटी सन 87 का जन्म है उसका, 6 अगस्त का शाम को 9:25 जी। और पंडित जी इसकी शादी वगैरह कब होगी? हम बहुत परेशान भी हैं और मतलब बीकॉम किया हुआ उसने, कोई सरकारी जॉब वगैरह लग सकती है या नहीं लग सकती है, या किसी और किसी उसमें ट्राई करें प्राइवेट, इसमें एक छोटे से स्कूल में कर रही है फिलहाल तो जॉब। जी बिल्कुल, देखिए अभी जातक की कुंडली में सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग तो कुछ कम है, लेकिन यदि प्रयास किया जाए तो सरकारी नौकरी मिल सकती है। बहुत सारी कुंडलियां होती हैं जिसमें साफ साफ ऐसा लक्षण होता है कि सरकारी नौकरी के योग नहीं है, कुछ कुंडलियां होती हैं जिसमें बहुत मजबूत योग होता है कि सरकारी नौकरी ही मिलेगी, और ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन प्रयास करने पर ग्रहों को सुधारा जा सकता है और उसके बाद इनको सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में इनकी कुंडली के हिसाब से सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यदि सूर्यदेव की आराधना करें, तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल दें और जल में कोई लाल पुष्प डाल करके सूर्यदेव को अगर अर्घ देते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फायदा मिलता है, और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप कर लेना इस जातक के लिए बहुत अच्छी सफलता लेकर के आएगा, क्योंकि ये शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं तो इस वजह से भी इनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नोएडा से हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ी हुई हैं। पुष्पा जी आप अपना प्रश्न करें। नमस्कार आचार्य जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14 जून 1951 जी, 7:08 जन्म स्थान दिल्ली। जी जी बताइए। गुरु जी मेरे को, मैं इतनी मतलब दो टाइम इंसुलिन लगाती हूँ हाई यूनिट का और 10-15 गोली खाती हूँ, लेकिन मेरा शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, 400 से ऊपर आता है अभी भी। जी बिल्कुल। तो दूसरा थोड़ा भाग्य वृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी कोई उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप बुधवार और शुक्रवार के दिन 8 बुधवार और 8 शुक्रवार आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर लें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। सफ़ेद वस्तुओं में मूलतः दूध, दही, चीनी, चावल, एक जोड़ा जनेऊ और कुछ दक्षिणा किसी ब्राह्मण को देनी चाहिए, इससे आपको आपकी जो मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज़ की जो समस्या है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि जो परिस्थितियां आपकी कुंडली से बन रही हैं उसको देखते हुए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगी, उससे आपको हर प्रकार की संपन्नता और सफलता मिलेगी, तो आपके लिए इस परिस्थिति में, इस उम्र के इस पड़ाव पर धन प्राप्ति के लिए कोई अलग सा मंत्र या कोई अलग सा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। आपके लिए स्वास्थ्य सुख ही वर्तमान समय में सबसे बड़ा सुख है। जब आपका जो पैसा दवाइयों में खर्च होता है वो बचने लगेगा तो खुद आपको समझ में आने लगेगा कि आपके हाथ में पैसा टिकता है, और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए महामृत्युंजय से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, बुधवार और शुक्रवार सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कार्यक्रम में फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से हम आज का राशिफल जान रहे थे, तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जातक लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है और जितना हो सके अपने खान पान पर आप ध्यान दें। सबसे ज्यादा आपके लिए आवश्यक ये है कि आप बाहर के खाने से बचें, असमय और अशुद्ध भोजन करने से आपको बचना चाहिए। अपनी सेट रूटीन को फॉलो करें, अपने जीवन साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के उनका साथ ना छोड़ें। उनकी बातों पर आप अविश्वास की स्थिति में मत आइए, अन्यथा आप अपना नुकसान स्वयं कर सकते हैं। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको हर प्रकार से आज दैवीय कृपा दिलाएगा, जिसके चलते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मांसाहार के सेवन से आज आपको बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि वृश्चिक राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को दूसरों के साथ आपको शेयर करना चाहिए। हमेशा चुप रहना किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं होता, तो आपके लिए भी सही नहीं है। आज अपने निर्णय अपने दिमाग से आपको स्वयं देना चाहिए। खुद विचारें, सोचें और फिर उसके बाद कोई निर्णय करें तो आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए महादेव की पूजा आराधना आपके लिए शुभ हो सकती है और इस मंत्र से यदि आप उनका अर्चन करेंगे तो फायदा मिलेगा। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस मंत्र से कुछ दुर्वा और बिल्व पत्र आप महादेव शिव पर अर्पित करें तो फायदा मिल सकता है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से आज आपको भी बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान से काम करना चाहिए। कहीं आपसे आज छोटी सी गलती हो जाए और वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है, तो आज आप कोई भी गलती के लिए कोई गुंजाइश मत छोड़िए, कोई चांस मत लीजिए। आज आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं पूरी दिनचर्या में, और ये जो कुछ भी सरप्राइजेस होंगे आपके लिए हर तरीके से पॉजिटिव होने वाले हैं। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हो सकता है आज आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ जाए। जो पुरानी बातें थी वो बार बार मन में आएंगी। आज अपनी बात साफ ढंग से कहें ताकि किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में कोई गलतफहमी ना हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज यात्रा के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचे। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातक लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने सारे कार्य नियोजित रूप से करें, अर्थात प्लान करके करें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी जिंदगी में नया लाभ का अवसर जो है वो दस्तक दे रहा है, लेकिन उसके लिए आप किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। तो नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, नए अवसरों को पकड़ने के लिए आपको लगातार तैयार रहना चाहिए और इन अवसरों का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज परिवार में छोटे बच्चों पर, अपने संतान पर क्रोध करने से बचिए। और अब बारी है बारहवीं राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज आपको किसी ऐसे विषय पर बात करना पड़ सकता है जिसमें आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, झिझक महसूस करते हैं। अगर किसी अच्छे काम को करने में आज कुछ धन व्यय करने पड़ जाए, धन खर्च करने की स्थिति आ जाए, तो आपको खर्च कर देना चाहिए। आज आप जहां भी पैसा लगाएंगे, जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज घर में और अपने आसपास धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान ना तो रखें, ना स्वयं अपने हाथों से प्रयोग करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इससे कुछ दुर्घटना संभावित है। तो ये था आज का राशिफल और अब बारी है आज के अचूक महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। पिछले सप्ताह हमने आपको लगातार
सास बहू के झगड़े को समाप्त करने के लिए, सास बहू के तनाव और क्लेश को दूर करने के लिए वास्तु से संबंधित दो एपिसोड्स में उपाय बताए। जनता ने लगातार मांग की कि हम और भी कुछ आपको इसी तथ्य से जुड़े हुए कुछ और भी उपाय उपलब्ध कराएं, इसी विषय से संबंधित कुछ तथ्य उपलब्ध कराएं। तो आज मैं आपको सास बहू के क्लेश को दूर करने के लिए, परिवार में शांति सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में अमल में लाइए। ये एक ऐसा विषय है कि हर घर की कहानी है, आप माने या ना माने हर परिवार में ऐसी स्थिति आती है, चाहे वो परिवार बहुत संपन्न हो या फिर वो बहुत ही लोग कमज़ोर हो, बहुत सामर्थ्य ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी सास बहू में झगड़े हमेशा होते रहते हैं। इसका कारण बहुत सामान्य सा है, दोनों की ऊर्जाएं आपस में नहीं मिलती। उन दोनों सास और बहुओं की ऊर्जा के बीच में तालमेल बिठाने का जो काम है वो वास्तु के माध्यम से कर सकते हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के प्रयास में हम लगातार बने हुए हैं। इधर बीच मीडिया में काफ़ी दिनों से कुछ खबरें आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन जी का भी परिवार इस सास बहू के झगड़े से बचा नहीं है। ऐश्वर्या और जया बच्चन जी के बीच में भी आपस में तनाव शुरू हो गया है। तो उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, संपन्नता की कमी नहीं है, लेकिन आपसी जो ऊर्जा है वो निश्चित तौर पर आपस में वैमनस्य का वातावरण बनाती है। तो इस ऊर्जा को कैसे शुभ किया जाए इससे संबंधित उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सरल सरल से उपाय बताता हूँ, इसको जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि गाय के गोबर का आपको एक दिया बनाना है। इस दिए को आप सुखा लीजिए अच्छे तरीके से, दिए का एक शेप दे दीजिए गोबर को और उसको फिर आप अच्छे से सुखा लें। और जब आप उसको सुखा लें तो उसमें तिल का तेल और एक टुकड़ा गुड़ डाल करके इसको आपको दीपक जलाना है। और ये जो दीपक है इसको आपको रात के समय में घर के मुख्य द्वार के मध्य में रखना है, यानी आपके मेन एंट्रेंस के बीच में इस दीपक को बाहर की तरफ रख करके छोड़ देना है। ये उपाय आपको मंगलवार की रात में करना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो इससे आपके घर में सुख शांति बनेगी और घर के अंदर की जो नकारात्मकता है वह नकारात्मकता दूर होकर के समृद्धि की प्राप्ति होगी। सास बहू के अंदर जो नकारात्मकता एक दूसरे को लेकर के आ गई है, जो एक दुर्भावना आ गई है, उस दुर्भावना को दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। एक सूखा नारियल यानी जिसे गरी गोला कहते हैं, जो मेवे के तौर पर भी यूज होता है, उसको लेकर के उस पर आप काला धागा लपेट दें, फिर इसे पूजा स्थान में आप रखें और शाम को उस नारियल को धागा सहित आपको जला देना है। ये टोटका मंगलवार से आरंभ करके 9 दिन तक आपको ये उपाय करना है। बहुत सरल सा उपाय है, थोड़े से काले धागे ले लेने हैं, एक आपको गरी गोला वाला या सूखा नारियल ले लेना है, उस पर आपको ये धागा लपेट लेना है। प्रयास करना चाहिए कि आप कम से कम 9 बार उस धागे को लपेट लें और अपने पूजा स्थान में रखें। जब आप पूजा स्थान में रखें तो आप इस प्रार्थना इस विनती के साथ रखें कि हमारे घर की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाए, हमारे परिवार में सामंजस्य स्थापित हो, खासतौर पर सास बहू के बीच में प्रेम उत्पन्न हो। और फिर उसके बाद धागे सहित इस नारियल को आपको जला देना है। जलाने के लिए यदि आप इसको घर से बाहर ले जा करके किसी एकांत जगह पे जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो जब आप जलाएंगे घर के अंदर जलाएंगे तो शायद वो नकारात्मकता घर के अंदर रह सकती है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जलाने के लिए आप घर से बाहर ले जाएं। मंगलवार के दिन से आरंभ करें और लगातार 9 दिन तक करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाया जाना चाहिए तथा प्रतिदिन इनका नियम से पूजन अर्चन किया जाना चाहिए। संध्या काल के समय में और रोज सुबह स्नान के बाद, यानी सुबह और शाम वहां पर आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाना है, देसी घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सदैव शांति का वातावरण रहता है और अच्छे संस्कार आते हैं, लड़ाई झगड़े और क्लेश का वातावरण दूर हो जाता है। अगर घर में सदैव अशांति रहती है तो घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर श्वेतार्क गणेश अर्थात सफेद आग के गणेश को अगर आप घर में लगाते हैं प्रवेश द्वार पर तो इससे सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि किसी बुरी शक्ति के कारण घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो जो उपाय अब बता रहा हूं इसको आप अवश्य करिए। प्रतिदिन सुबह घर में गोमूत्र अथवा गाय के दूध में गंगाजल मिलाकर के यदि आप छिड़काव करते हैं, इससे शांति करते, जिसे मार्जन करना कहा जाता है, यदि गोमूत्र ले लीजिए या फिर सिर्फ गोमूत्र से कर लें, या अगर गोमूत्र मिल पाना संभव नहीं तो कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर के भी आप शुद्धि कर सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं। और ये काम नियमित किया जाना चाहिए, कम से कम 45 दिन नियमित करें तो जो भी बुरी शक्तियों का प्रभाव है वो कम हो जाता है।
घर में किसी भी तीर्थ का जल यदि आप रखते हैं तो उससे भी आपके घर के जो दोष हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वह शांत होती है और उससे आपस में प्रेम भाव उत्पन्न होता है। आपको घर में प्रयास ऐसा करना चाहिए, खासतौर पर अपने किचन में, कि घर के बर्तन गिरने और टकराने की आवाज जो है वो कम से कम आए। जब भी आप कोई काम किचन में भी करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका व्यवहार ऐसा इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि बर्तन आपस में लड़े नहीं, उसके चलते जो है वो जो एक नकारात्मकता या जो कर्कशता वाली आवाज है वो पूरे घर के वातावरण को खराब ना करे। हमेशा प्रयास करें कि आप अपने घर को सुंदर सजा करके सुसज्जित रखें। जितना डेकोरेटिव रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपके मन में उतनी पॉजिटिविटी आती रहेगी। बहू को चाहिए कि सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगा करके कचरे को घर के बाहर फेंक दे। ये पुराना नियम था, आज के समय में ये नियम कहीं छूट सा गया है। शायद इस कारण से भी बहुत ज़्यादा आपस में तनाव की स्थिति रहती है। घर में नमक के पानी का पोछा लगाया जाना चाहिए, ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अपने परिवार के पितरों के प्रति आपको हमेशा कृतज्ञता अर्पित करती रहनी चाहिए। परिवार के पितरों का नियमित आप पूजन अर्चन करें तो फायदा मिलेगा। प्रतिदिन भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के नाम से, गाय के निमित्त, एवं आखिरी रोटी जो है वह कुत्ते के निमित्त यदि आप निकालते हैं, इनको ग्रास कहा जाता है, गौ ग्रास, अगर आप निकालते हैं पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए, तो फायदा मिलता है। अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत आवश्यक है। ओम शांति और शांतम पापम, ये दो अलग अलग मंत्र हैं, ओम शांति और शांतम पापम। अगर किसी भी एक व्यक्ति को घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा गुस्सा और क्रोध की स्थिति रहती है तो आपको कोई भी एक व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है, ओम शांति और शांतम पापम। इन दोनों मंत्रों का जाप बहुत अच्छा फायदा देता है। और यदि नियम से संकल्प लेकर के सास बहु इस दोनों मंत्रों का 21 दिन तक लगातार 11-11 माला जाप करते रहें तो आप निश्चित स्वयं अपने अंदर व्यवहार में बदलाव देखेंगे। आपके अंदर जो क्रोध और उत्तेजना की स्थिति थी, जो बार बार गुस्सा आता था, जिसके चलते आपका झगड़ा आपकी सास से या आपकी बहू से हो जाता था, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपने अपने अंदर बहुत बदलाव, बहुत परिवर्तन कर लिया है और आपका झगड़ा वाला जो स्वभाव था वो कहीं खो सा गया है। रोटी बनाते समय तवा जब आप गर्म करते हैं तो तवा गर्म होने पर पहले उस पर ठंडे पानी की कुछ छींटे डाल लें और फिर उसके बाद यदि आप रोटी बनाना आरंभ करेंगे तो आपस का जो तनाव का वातावरण रहता है, जो क्लेश की परिस्थिति परिवार में रहती है, वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे। हमारा ये प्रयास है कि आपके परिवार में सामंजस्य और शांति स्थापित हो और माँ लक्ष्मी उसी घर में, उसी परिवार में निवास करती हैं जहाँ शांति और सामंजस्य का वातावरण रहता है, सुख समृद्धि वहीं आती है। तो इसी उपाय के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। इसके साथ ही आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे स्टूडियो में। फिलहाल मुझे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।